हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। तो फ्रेंड कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। सो फ्रेंड, आज अपन पढ़ने वाले हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। जो अपन पढ़ रहे थे उसी को आज कंटिन्यू करेंगे। एंड अभी हमारा ये डेमो चल रहा है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के लिए कॉमन डेमो क्लास है। फिर भी लेकिन आप क्या कीजिए बेटा, आज अपना ऐप डाउनलोड कर लीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन ऐप का, और उसके स्टोर पर आपको मैथमेटिक्स 2 का जो भी यूनिवर्सिटी से आप हैं उसका कोर्स आप वहाँ से परचेस करके पढ़ सकते हैं। क्योंकि फ्रेंड कभी कभी क्या होता है ना, हो सकता है मैं ये आखिरी क्लास रखूँ डेमो का, कभी कभी मेरे मूड के ऊपर डिपेंड करता है मैं कब क्या कर लेता हूँ। लेकिन फिर भी आप ऐप को डाउनलोड कर ले, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप ऐप डाउनलोड कर लेते हैं तो मैं आपको खुद कॉल करके गाइड करूँगा किस तरीके से चीज़ों को अपन को करना है। ठीक है फ्रेंड, चलिए। सो अपन पढ़ रहे थे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, उसी का हमने आज यहाँ पर एक और क्वेश्चन लिया है। चलिए, तो क्वेश्चन क्या होता बेटा, अपन क्या करते थे इससे पहले फॉर्मेट में बनाकर पी और क्यू को निकालते थे। ये हमारा आखिरी ऐसा क्वेश्चन है जो सीधा सीधी फॉर्मेट में दिया हुआ है। इसके बाद के जो क्वेश्चंस अपन करेंगे बेटा वो हमारा फॉर्मेट में नहीं होगा, फॉर्मेट में बनाना पड़ेगा। ठीक है, चलो। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं इस प्रकार से, क्या मैं इसको लिख सकता हूं डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस टू अपॉन एक्स वाई इज इक्वल्स टू साइन एक्स। हमने क्या किया बेटा, एक्स वाले को टू के साथ रखा। आप बोलोगे सर हाँ आप इस तरीके से कर सकते हो। चलिए, तो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या था बेटा, स्टैंडर्ड फॉर्मूला था डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला था। मतलब वाई के साथ वाला क्या होता है बेटा, पी होता है। तो यहाँ पे वाई के साथ कौन है, टू अपॉन एक्स। तो यहां से मेरा प्यारा बच्चा पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, पी की वैल्यू हो जाएगी टू अपॉन एक्स, और जो राइट हैंड साइड में होता है वो होता है क्यू। तो यहां पर क्यू की वैल्यू हो जाएगी आपकी साइन एक्स। ठीक है बेटा, चल। अब हमारा काम सबसे पहला होगा कि अपन आई एफ निकालें। क्या निकालें बेटा, आई एफ निकालें। और आई एफ का फॉर्मूला आप सभी को पता है, ई का पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स, ये होता है आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला, है ना। चलिए, पी और क्यू अपन निकाल चुके हैं, उसके बाद अपन को क्या निकालना है बेटा, आई एफ निकालना है। आई एफ का फॉर्मूला मैंने यहाँ पर लिख दिया। चलिए वैल्यू को पुट करते हैं, तो ई इंटीग्रेशन पी डी एक्स, पी की वैल्यू कितनी है बेटा, टू अपॉन एक्स डी एक्स। ठीक है, पी की वैल्यू रख दे टू अपॉन एक्स। आप क्या करो, यहाँ से टू को कॉमन ले लो। तो जब आप यहाँ से टू को कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा वन अपॉन एक्स डी एक्स। और सभी गधे को पता है, मुझे भी पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स क्या होता है, लॉग एक्स। तो ये हो जाएगा ई का पावर टू लॉग एक्स। ठीक है बेटा, चलिए। यहां तक तो मुझे लगता कोई दिक्कत हुआ होगा। p की वैल्यू पुट की, 2 को कॉमन निकाला, तो ये हो गया इंटीग्रेशन 1 अपॉन x dx। और 1 अपॉन x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, आपका log x होता है। ठीक है, क्या होता है बेटा, आपका ये log x होता है ना। अब आपको यहां पर क्या है, एक प्रॉपर्टी लगाना पड़ेगा। log का अगर प्रॉपर्टी जानते हो तो, नहीं जानते हो चलो मैं बता देता हूं। a log x इज इक्वल टू हो जाता है log x का पावर a। इसका मतलब ये है बेटा, इसका मतलब ये है कि log का जो कोफिशियंट में होता है वो कहाँ चला जाता है, x के पावर में चला जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये नहीं लगाओगे तो आगे नहीं सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, नहीं आता है कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन मैं यहाँ पे बता तो रहा हूँ। चलिए, तो यहाँ पे 2 log x है, तो ये 2 कहाँ चला जाएगा बेटा, ये 2 चला जाएगा पावर में। चलिए, तो ये हो जाएगा आपका e का पावर log x स्क्वायर। ठीक है बेटा, और यहाँ पर एक और फॉर्मूला लगेगा, वो फॉर्मूला क्या है, e log a इज इक्वल्स टू सिर्फ और सिर्फ क्या हो जाता है, a हो जाता है। तो e log x स्क्वायर ये क्या हो जाएगा आपका, सिर्फ और सिर्फ हो जाएगा x स्क्वायर। तो यहाँ से आपने क्या निकाल दिया, आई एफ निकाल दिया। और देख लो कितना बेसिक फंडामेंटल फॉर्मूले लग रहे हैं यहाँ पे। आप अगर अच्छे से देखोगे तो देखो दो दो फंडामेंटल फॉर्मूला लगा है, और अगर आपका बेसिक वीक है तो आप लोग यहीं पर फंस जाओगे। तो मैंने क्या बोला बेटा, जब भी अपन पढ़ेंगे जहां की भी चीज आएगी वहां की चीजें अपन सीखेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं बोल दूंगा ऐसा होता नहीं, जहां पर जो चीज आएगा वो मैं आपको बताऊंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं कि आप कोर्स लोगे तो मैं वहां पे कुछ और टोन से पढ़ाता हूँ यहाँ पे, नहीं बेटा। बहुत बार ऐसा होता है कि मैं लेक्चर्स को लेने के बाद डिलीट कर देता हूँ, नहीं यार मजा नहीं आया, मजा नहीं आया मतलब फिर आपको कहाँ समझ आएगा। ठीक है, तो फिलहाल अपन अभी ऐसे टॉपिक में ज्यादा हंसी मजाक नहीं कर सकते, ज्यादा बातें करूंगा तो यू विल स्टार्ट कन्फ्यूजिंग, क्योंकि टॉपिक ही वैसा है। पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन को अपन, ठीक है ऐसा नहीं हम सीरियस हो गए, ठीक ठाक पढ़ेंगे। चलो,
तो ये निकल गया हमारा IF। इसके बाद आप निकालो कंप्लीट सॉल्यूशन। तो कंप्लीट सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? कंप्लीट सॉल्यूशन का फॉर्मूला होवे है y इंटू आई एफ इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी। ये होता है इसका फॉर्मूला। चलिए वैल्यूज पुट कर देते हैं। y इंटू आई एफ क्या निकला है बेटा? आई एफ निकला है x स्क्वायर, ठीक है। q यहां पर क्या है बेटा? q है साइन x और आई एफ की वैल्यू है x स्क्वायर डी एक्स प्लस सी। तो अपन इसको लिख सकते हैं y x स्क्वायर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन x स्क्वायर साइन x डी एक्स प्लस सी। अब यहां पर अपन क्या हुए, थोड़ा सा फंस गए। अगर आपने आईलेट देखा है, और चलो आईलेट हटाओ, अगर आपने फोरियर सीरीज पढ़ा है मेरे प्यारे बच्चों, तो यहां पर आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलिए तो यहां पर आप देख सकते हो अपन को इंटीग्रेट करना है एक्स स्क्वायर साइन एक्स डी एक्स को। तो अपन इस पर थोड़ा सा जोर देते हैं कि इस टाइप के जब इंटीग्रेशन आपके पास आएंगे तो आपको किस तरीके से सॉल्व करना है। और बेसिकली इस टाइप का इंटीग्रेशन आप आईलेट से भी सॉल्व कर सकते हो, और एक आपका फोरियर सीरीज में मैंने बताया था उस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो। तो फिलहाल आईलेट वाला तो मुझे पता है आपने रिविजन कर लिया होगा, लेकिन अब इसको क्या करते हैं अपन, फोरियर के हिसाब से सॉल्व करते हैं। देख लो कोई दिक्कत नहीं, क्यू के जगह पे साइन एक्स, आई एफ के जगह पर एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर साइन एक्स। चलो वीडियो को पॉज करके नोट कर लो, है ना, टफ है यार, अपन पता है ये पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन जैसे जैसे आगे बढ़ेगा और बहुत बेसिक बेसिक सी चीजें खोजता है अपन से, है ना। चलिए मैंने क्या बोला आपको कि मैं टॉपिक्स में इतने पार्टिकुलर क्वेश्चंस करवा दूंगा जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपका हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कॉन्स्टेंट कोफिशियंट। वहां पर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अपन को पहले 6 केस पढ़ने पड़ेंगे, तब जाके आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। तो लीनियर के बाद अगर डेमो में दूंगा तो उसी का दूंगा, है ना, हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कॉन्स्टेंट कोफिशियंट। चलो अभी फिलहाल उधर नहीं जाते हैं, अपन को इंटीग्रेट करना है इसको, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर साइन एक्स डी एक्स को, ठीक है बेटा। बात समझिएगा किस तरीके से होगा। सबसे पहले क्या करो, आप एक्स स्क्वायर जैसा है उसको वैसे ही लिख दो। चलो उसके बाद आप क्या करो, साइन एक्स का इंटीग्रेशन करो। साइन एक्स का क्या करो, इंटीग्रेशन। तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, माइनस कॉस एक्स। तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस एक्स। देख लो पहला स्टेप क्या है, एक्स स्क्वायर जैसा है उसको वैसा लिखो, ठीक है। और दूसरे वाले का क्या कर दो, इंटीग्रेशन कर दो। पहला साइन प्लस था, अब साइन किसका होगा, माइनस का, ठीक है। अब आप एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करो, एक्स स्क्वायर को क्या करो, डिफ्रेंशिएट करो। तो एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये हो जाएगा 2x। और अब क्या करो, माइनस कॉस एक्स को इंटीग्रेट करो। तो माइनस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन देखो, माइनस है तो माइनस रहेगा, और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स, ठीक है बेटा। चलो पहला साइन प्लस लिया था, दूसरा माइनस लिया, फिर क्या लो बेटा, प्लस लो, है ना। चलिए अब 2x का डिफ्रेंशिएशन कर दो। तो जब 2x का डिफ्रेंशिएशन करोगे तो ये हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ 2x का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाता है, तो 2x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 2। अब देखो माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन करो, तो माइनस पहले से है और साइन एक्स का क्या होता है, माइनस कॉस एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस एक्स, ठीक है। अब आगे नहीं बढ़ेंगे, क्यों आगे नहीं बढ़ेंगे बेटा, क्योंकि अगर आगे बढ़ोगे और 2 को जब आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो वो 0 हो जाएगा। तो बेटे को बेटा ये टॉपिक कहाँ का था, ये टॉपिक था फोरियर सीरीज का। बहुत ऐसे बच्चे हैं जो सिर्फ और सिर्फ पास होने के लिए पढ़ते हैं। आप इतना याद रखना कि अगर आपका मोटिव पास होना है, आप कभी भी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। हर एक चैप्टर जो इंजीनियरिंग में दिया हुआ है, खास करके मैथमेटिक्स, सपोर्ट्स द इंजीनियरिंग। आप क्या करो, सपोर्ट कोई नहीं है तो भाई आप तो, आपका तो बिल्डिंग धसी गई ना। अगर सिर्फ और सिर्फ एक बात याद रखना, अगर आप पास होने के लिए पढ़ते हैं, यू कैन नॉट फील द इंजीनियरिंग, आपका कुछ नहीं हो सकता यार, क्योंकि इंजीनियरिंग में बहुत भीड़ बकरी ऐसा हाल हो गया, बहुत लोग हैं यहाँ पे। चलो इसको सॉल्व कर दो, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, और ये माइनस माइनस प्लस 2x साइन एक्स, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 2 cos x। फिर से देख लो मैंने क्या किया था बेटा, है ना, x स्क्वायर को जैसा था वैसा लिखा, sin x को इंटीग्रेट किया तो माइनस cos x।
ठीक है, पहला वाला टर्म प्लस में था, दूसरा टर्म किस में लेंगे, माइनस में लेंगे। फिर एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट किया तो 2x मिला, और माइनस कॉस एक्स को इंटीग्रेट किया तो माइनस साइन एक्स मिला। प्लस माइनस फिर क्या बेटा, प्लस। फिर 2x को डिफ्रेंशिएट किया तो 2 मिला, और माइनस साइन एक्स को इंटीग्रेट किया तो माइनस, तो यहाँ का माइनस था ही, और साइन एक्स का क्या होता है, माइनस कॉस एक्स होता है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया। अब आगे क्यों नहीं करेंगे बेटा, अगर आगे क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि आगे करोगे तो 2 का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो बेटा अगर नहीं भी समझ में आ रहा है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। इफ़ यू, अगर आपने नहीं पढ़ा है फोर ईयर सीरीज तो यहाँ फंस रहोगे, लेकिन मैंने आपको बता दिया स्टेप्स क्या होता है। अगर आप इस स्टेप्स को समझ पा रहे हो तो ठीक है, वरना फिर मुझे अलग से टॉपिक ही डिस्कस करना पड़ेगा बेटा, जो पॉसिबल नहीं है ना, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डिस्कस। लेकिन फिर भी वही है, एक्स स्क्वायर को छोड़ दो, साइन को इंटीग्रेट करो, ये पहला टर्म हो गया, ठीक है, प्लस में था, दूसरा टर्म माइनस में, एक्स स्क्वायर का हो गया डिफ्रेंशिएशन 2x, इसको डिफ्रेंशिएट करो, इसको इंटीग्रेट करो, फिर इसको डिफ्रेंशिएट करो, इसको इंटीग्रेट करो, फिर अगर आगे भी होता तो आगे भी डिफ्रेंशिएट, आगे भी इंटीग्रेट, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर साइन एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2x साइन एक्स प्लस 2 कॉस एक्स। चलो फिर लिख दो यहाँ पर, है ना। चलो भाई, तो वाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स का क्या हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2x साइन एक्स प्लस 2 कॉस एक्स प्लस सी। एक्स स्क्वायर को क्रॉस में नीचे भेज दो तो y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2x साइन एक्स प्लस 2x कॉस एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है बेटा। यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगर आप चाहो तो इस एक्स स्क्वायर को इसमें डिवाइड कर दो, इस एक्स स्क्वायर को इसमें डिवाइड कर दो, इस एक्स स्क्वायर को इसमें कर लो, लेकिन ठीक है, इतना चलता है, ठीक है बेटा। इस वाले पे ध्यान देना, अगर आप, अगर इसमें आपको दिक्कत है तो आप मुझसे कंसल्ट करना, मैं इसके लिए भी आपको अलग से लेक्चर दिलवा दूंगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। देखो पैटर्न समझ लो क्या होता है, इसको कैरी करो, फिर इसको क्या करो, इंटीग्रेट करो, या आप यहाँ पहले टर्म पे पहुंच गए, फिर इसको डिफ्रेंशिएट, इसको इंटीग्रेट, फिर इसको डिफ्रेंशिएट और फिर इसको इंटीग्रेट, साइन किसका चलेगा, प्लस माइनस, प्लस माइनस का, ठीक है फ्रेंड। चलिए इसको नोट कीजिए, फिर अपन चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, है ना। थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा बेटा, चीजें मैंने क्या बोली, आगे चीजें टफ होने वाली हैं, लेकिन अपन आराम आराम से अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे मन से पढ़ेंगे, अपन कभी भी नहीं फंसेंगे। अगर आप कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू की बात करते हो तो डिफरेंशियल इक्वेशन से 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, और अगर आप इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हो तो भाई बिना डिफरेंशियल इक्वेशन के इंजीनियरिंग होगा ही नहीं। आगे चल के जब आप कोर सब्जेक्ट पढ़ोगे वहाँ पर डेरिवेशंस करोगे, फंस जाओगे। तो अगर आप ये सोच रहे हो सिर्फ पास होना, मैथमेटिक्स को यूज़ नहीं, क्लास 8 की भी चीज़ यहाँ पर यूज़ हो रही है, तो जब यहाँ की चीज़ है तो वो आपको आगे आपके सब्जेक्ट्स में यूज़ होगी, ठीक है। चलो इसको नोट करो, फिर अपन मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, है ना। चलो नोट बच्चा बाटी, नोट 8। चलिए माय डियर फ्रेंड, एक और प्यारा क्वेश्चन करते हैं, और अब जितने भी क्वेश्चंस अपन को करेंगे मानकर चलो वो आपके फॉर्मेट में नहीं होगा, आपको क्या करना पड़ेगा फ्रेंड, फॉर्मेट पे बनाना होगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर क्वेश्चन है कॉस एक्स डी वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई डी एक्स, ठीक है बेटा। सबसे पहला काम आप एक करो कि आप कॉस एक्स को इधर भेज दो और डी एक्स को इधर ले आओ क्रॉस में, तो ये कुछ इस प्रकार का हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस वाई अपॉन कॉस एक्स, ठीक है बेटा। हमने क्या किया, डी एक्स वाले को क्रॉस में इधर ले आया और कॉस एक्स को क्रॉस में इधर भेज दोगे, तो इधर साइन एक्स माइनस वाई था, अपॉन में क्या आ गया आपका, कॉस एक्स आ गया। चलिए, तो इसको लिख सकते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स कॉस एक्स, इसको भी दे दो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, और माइनस कॉस एक्स इसको भी दे दो तो माइनस, ठीक है, वाई अपॉन कॉस एक्स, कोई दिक्कत की बात नहीं, देख लो कॉस एक्स हमने साइन एक्स को भी दे दिया और कॉस एक्स हमने माइनस वाई को भी दे दिया। चलिए, तो इसको मैं लिख सकता हूँ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस वन अपॉन कॉस एक्स वाई। आप बोलोगे जी सर एकदम लिख सकते हैं। चलिए, तो आपने क्लास 10th पढ़ा है, क्या पढ़ा है क्लास 10th में आपने, आपने क्लास 10th में पढ़ा था कि साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स होता है टेन एक्स, और आपने क्लास में पढ़ा है वन अपॉन
कॉस एक्स क्या होता था, सेक एक्स, क्लास टेंथ की बात मैं कर रहा हूं, ठीक है। चलिए तो यहां पर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा टेन एक्स, और वन अपॉन कॉस एक्स क्या हो जाएगा, माइनस सेक एक्स वाई, ठीक है बेटा। चलिए इस वाले टर्म को आप इधर भेज दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका डी वाई बाई डी एक्स प्लस सेक एक्स वाई इज इक्वल्स टू टेन एक्स। चलिए फ्रेंड, तो इतना मेहनत करने के बाद हमारा अब ये फॉर्मेट में आ चुका, और मानकर चलो आपके एग्जाम में फॉर्मेट में नहीं देगा, गेट में भी दिया था, इस बार ऐसा क्वेश्चन दिया था, मतलब मेरे को भी फॉर्मेट में लाने में दिमाग खराब हो गया था, तो लेकिन हाँ दिमाग खराब जरूर हुआ था, इन फॉर्मेट में वो आ गया था, क्यों, क्योंकि हमारा बेसिक बहुत अच्छा है, और मैथमेटिक्स में क्या है बेटा, मैथमेटिक्स क्या पूरे इंजीनियरिंग में बेसिक्स का होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो प्रोसेस था वो मैंने किया, कोई भी स्टेप गैप नहीं, आई होप यहाँ पर आपको कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है बेटा, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू, तो यहां पर y के साथ कौन है, sec x, तो यहां पर p क्या हो जाएगा बेटा, p आपका हो जाएगा sec x, और q क्या हो जाएगा आपका tan x, बाकी फिर वही प्रोसेस रहेगा। लेकिन चलिए अपन प्रोसेस को करते हैं, मैं आप पर नहीं छोड़ रहा हूं, प्रोसेस में करके बताता हूं। सबसे पहले निकलेगा if, if क्या होता है, e का पावर इंटीग्रेशन pdx, कौन से फॉर्मेट के लिए, इस वाले फॉर्मेट के लिए, ठीक है। दूसरा वाला फॉर्मेट बहुत 90% नहीं पूछा जाता वो, लेकिन वो भी अपन करेंगे, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक फॉर्मेट जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है पहले उसको कर रहे हैं, उस फॉर्मेट वाले क्वेश्चंस को भी अपन करेंगे, मत घबराओ। PDX, P क्या है बेटा आपका, P है sec x। अब आप बोलोगे कि सर sec x का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये होता है log 10x plus, देख लूं इसका, हाँ log, हाँ sec x plus 10x। चलो आपको मैं बता दूं कि इंटीग्रेशन ऑफ sec x होता है log sec x प्लस टेन एक्स, ठीक है। चलिए तो यहां पर हो जाएगा ये इंटीग्रेशन sec x का log sec x प्लस टेन एक्स, ठीक है बेटा। तो पता ली e का पावर log a हो जाता है a, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी sec x प्लस टेन एक्स, तो ये क्या निकला बेटा आपका, ये निकला if, है ना। चल वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए, हमारा आई एफ निकल चुका है, अब अपन को क्या निकालना है, कंप्लीट सॉल्यूशन निकालना है ना। तो मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए, बाकी आप नोट कर लो, मुझे नहीं लगता कहीं पे कोई दिक्कत होगा, फॉर्मूले यहाँ पर जो आए थे वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है ना। चल बढ़ेगा धीरे धीरे, अपन सीखेंगे ना, आगे के टॉपिक्स में जाएंगे, जो जो आपका जो मेन जो टफ वाला टॉपिक है ना, हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, वहां पर तो अपन बहुत समय देंगे बेसिक्स में, ताकि कोई भी क्वेश्चन आप छोड़ो मत, वहां पे क्वेश्चंस आते ही आते हैं, कोई डाउट मत रखना, है ना, पर चला डाउट रखोगे तो फिर हम ही डाउट में आ जाएंगे। चलो बच्चा पार्टी, कोई बात नहीं, कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होता है, कंप्लीट सॉल्यूशन का फॉर्मूला y इंटू आई एफ इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ dx प्लस सी। चलिए वैल्यूज को पुट करते हैं, तो y इंटू आई एफ की वैल्यू क्या आई बेटा, आई एफ की वैल्यू आई है sec x प्लस टेन एक्स, ठीक है, और इंटीग्रेशन q की वैल्यू कितनी है, q की वैल्यू है टेन एक्स, ठीक है, और मल्टीप्लाई में आई एफ की वैल्यू कितनी आई बेटा, आई एफ की वैल्यू आई है sec x प्लस टेन एक्स, ठीक है। चलो डी एक्स प्लस सी देख लो, यहां पर कंफ्यूजन का कोई सीन मत रखना मेरे प्यारे बच्चों, है ना, कंफ्यूज हो गए तो बहुत मार मारेंगे, है ना। चलिए बात समझिए, यहां पर वाई के जगह वाई रखा है, ठीक है, और आई एफ के जगह पे क्या रखा है, सेक एक्स प्लस टेन एक्स इंटीग्रेशन, तो ये इंटीग्रेशन का साइन, क्यू के जगह पे रखा है टेन एक्स, और आई एफ के जगह पे क्या रखा है sec x प्लस टेन एक्स, और ये आपका डी एक्स और प्लस सी, ठीक है बेटा। चलो सिर्फ और सिर्फ अब सॉल्व करना है,
तो y इंटू sec x प्लस टेन एक्स इज इक्वल्स टू, चलो 10 का मल्टीप्लाई इसके साथ कर दूं, तो ये हो जाएगा आपका 10x sec x, और 10 का मल्टीप्लाई 10 के साथ कर दो तो ये हो जाता है 10 स्क्वायर एक्स प्लस सी। ठीक है बेटा, चलिए देख लीजिए क्या किया हमने, 10x का मल्टीप्लाई sec x के साथ किया तो ये हो गया 10x sec x, और 10x का मल्टीप्लाई 10x के साथ किया तो ये हो गया 10 स्क्वायर एक्स। लेकिन दिक्कत ये है ना कि 10 स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन अपन नहीं कर सकते, 10 स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला नहीं होता है। चलो अब क्या करें यार, हमने क्लास 10th में पढ़ा था, क्या पढ़ा था बताओ, 10 स्क्वायर एक्स होता है आपका sec स्क्वायर एक्स माइनस 1, अगर आपने क्लास 10th पढ़ा है तो कि 10 स्क्वायर एक्स की जगह पे क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर एक्स माइनस 1। चलिए रखते हैं, क्यों रखा अभी आपको पता चल जाएगा, क्यों, क्योंकि 10 स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला नहीं होता है, हाँ लेकिन sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है। ठीक है चलो, तो y इंटू sec x प्लस टेन एक्स इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, ये आपका हो गया 10x sec x प्लस 10 स्क्वायर एक्स की जगह पे क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx प्लस सी। ठीक है बेटा, चलिए अब यहां पर क्या होगा, dx सभी में मल्टीप्लाई कर दो और सभी को क्या करो 1 बाय 1 इंटीग्रेट कर दो, तो y इंटू sec x प्लस 10x इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 10x sec x dx इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x dx और माइनस 1 इंटू dx क्या हो जाएगा बेटा, dx प्लस c। देख लो कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, कंफ्यूज होकर देख ले सही चल रहा है कि नहीं, एकदम सही चल रहा है बेटा, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है चलो, इंटीग्रेशन ऑफ 10x sec x dx हो गया, dx को यहां मल्टीप्लाई किए sec स्क्वायर x dx हो गया, और dx को यहां मल्टीप्लाई किए तो इंटीग्रेशन dx। चलिए कोई दिक्कत, बोलोगे नो सर, तो y इंटू sec x प्लस 10x इज इक्वल्स टू 10x प्लस sec x का इंटीग्रेशन होता है sec x, तो ये हो गया sec x, sec स्क्वायर x किसका इंटीग्रेशन होता है 10x का, तो ये हो जाएगा 10x, और dx किसका इंटीग्रेशन होता है x का, तो dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x प्लस सी। चाहो तो आप यहां पर आंसर छोड़ दो या तो क्रॉस में इसको भेज दो, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू sec x प्लस 10x माइनस x प्लस सी अपॉन में sec x प्लस 10x। तो अब इससे ज्यादा सॉल्व मत करना यार, कोई मतलब नहीं बनता, आप आंसर यहां भी छोड़ सकते हो और आप आंसर यहां भी छोड़ सकते हो। ठीक है बेटा, और मैंने क्या बोला, ज्यादा ओवर स्मार्ट अपन इसमें नहीं हो सकते हैं, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ एक ऐसा 11 12 का बेसिक आ जाता है जहां पर हमारे फंसने के चांसेस हो जाते हैं। तो फ्रेंड जो भी फॉर्मूलेज मिल रहे हैं उसको नोट डाउन करते हुए चलो ताकि आप फंसो नहीं, है ना, यहाँ पर बहुत ज्यादा यूज होने वाला 11 12 का। ठीक है चलिए, तो जहां पर जो फॉर्मूला आया वहां पर मैंने आपको वो फॉर्मूला बता दिया, और पार्टिकुलरली हमारा आंसर भी बहुत अच्छे से आ गया, तो अपन एक और क्वेश्चन करते हैं फिर लेक्चर को एंड करेंगे। ठीक है चलिए, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, है ना, फिर अपन बढ़ते हैं आगे। नोटेड बच्चा पार्टी नोट 8, चलिए माय डियर फ्रेंड अगेन अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन है ये, और मैंने क्या बोला, डेमो फ्रेंड मूड पे डिपेंड करता है, लेकिन आप ऐप जरूर डाउनलोड कर लो, और ऐप डाउनलोड करने के बाद स्टोर पे आपका जो भी पार्टिकुलर जो आपका डिमांड है आप वहाँ पे देख सकते हैं कि आपको वो कोर्स जरूर मिल जाएगा। वैसे अभी तो अपन कवर अप कर ही रहे, मैंने बताया भी था। चलिए फ्रेंड अपन आते हैं क्वेश्चन पे, अब आपके ऊपर है, आप ऐप डाउनलोड करो चाहे ना करो। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन लगभग ठीक ठाक लग रहा दिखने में, हाँ शकल भी अच्छा है क्वेश्चन का, गलती क्या है इस क्वेश्चन में, गलती कुछ नहीं है, यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर ज़्यादा है, हमें क्या करना है, इसको एलिमिनेट करना है, अगर इसको एलिमिनेट कर देंगे तो ये dy बाई dx हो जाएगा, और dy बाई dx से ही हमारा क्या होता है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का शुरुआत होता है। तो यहाँ पर अपन एक काम करेंगे, चलिए यहाँ पर आप काम कीजिए, डिवाइडिंग बोथ साइड
बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये सबसे कॉमन तरीका है। या तो फिर आप इसको इसको उधर भेजते हैं, फिर क्रॉस में भेजते हैं, तो ये थोड़ा लेंदी हो जाएगा। तो आप क्या करो, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर। चलो, तो ये हो जाएगा वन प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाय डी एक्स प्लस टू एक्स वाई में भी डिवाइड हो जाएगा क्या, वन प्लस एक्स स्क्वायर, और कॉस एक्स में भी डिवाइड हो जाएगा वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो बेटा वन प्लस एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा कैंसिल, तो ये हमारा बन जाएगा डी वाई बाई डी एक्स प्लस टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू कॉस एक्स वन प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है बेटा, वाई को हमने क्या किया, बाहर रखा, क्योंकि हम लोग बाहर रख के ही देखते थे ना पी की वैल्यू। तो यहाँ पर देख लो कितना सिंपल हो गया, हमने दोनों तरफ डिवाइड कर दिया वन प्लस एक्स स्क्वायर से, तो ये वन प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, लेकिन यहाँ डिवाइड में आ गया। आ गया तो आ गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है फ्रेंड, और देखो भले क्वेश्चन कुछ भी हो, लेकिन यहां से कॉमन पैटर्न ये पता चल रहा है कि नियर अपन को अब इसका अप्रोच किस तरीके से होगा। तो भले कुछ नया क्वेश्चन आए, आप कर पाओगे। तो मैथमेटिक्स टू टफ जरूर है, लेकिन आप अगर फेल कर रहे हो या तो फंसोगे, तो आप अपनी ही गलती से फंसोगे, क्योंकि गलती का कारण मैं आपको साफ साफ बता रहा हूं कि गलती का कारण क्या है। ठीक है, चलिए, स्टैंडर्ड इक्वेशन सभी को पता है, अब मुझे भी पता चल गया क्या होता है बेटा, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू, है ना। चलो, तो यहां पर पी की वैल्यू क्या हो गई बेटा, यहां पर पी की वैल्यू हो गई 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और q की वैल्यू क्या हो गई बेटा, q की वैल्यू हो गई आपकी cos x 1 प्लस एक्स स्क्वायर। चलो, आप सभी को पता है क्या करना, if निकालेंगे फिर कंप्लीट सॉल्यूशन निकालेंगे। चलो निकालते हैं, सबसे पहले if, if का फॉर्मूला क्या होता है, e इंटीग्रेशन pdx। ठीक है, चलो, तो e इंटीग्रेशन pdx, p की वैल्यू कितनी है बेटा, p की वैल्यू है 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स। चलो, अगर आपको ध्यान हो तो मैंने आपको एक फॉर्मूला पिलवाया था, ध्यान है, बोलो को सर ध्यान रहता तो नहीं रहता, जाहिर सी बात है भाई। हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था, इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स, क्या होता था इसका इंटीग्रेशन, लॉग एफ एक्स। इसका मतलब ये है कि अगर कोई चीज डिवाइड में है और नीचे वाले को डिफ्रेंशिएट करने पर ऊपर वाला वैल्यू मिलता है, तो उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, नीचे वाले का लॉग के साथ ले लो। ठीक है, तो पहले चेक करो कि नीचे वाले को डिफ्रेंशिएट करने के बाद क्या ऊपर वाला मिलता है। तो देखो, वन प्लस एक्स स्क्वायर को अगर आप डिफ्रेंशिएट करते हो, तो वन का डिफ्रेंशिएशन जीरो हो जाएगा और एक्स स्क्वायर का टू एक्स हो जाएगा, तो ये टू एक्स। तो बोले गौर, हाँ यार सर, नीचे वाले को डिफ्रेंशिएट करने पर ऊपर वाला आ जा रहा है, तो इसमें क्या होगा बेटा, फॉर्मूला लग जाएगा और ये हो जाएगा आपका e का पावर log 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ध्यान देना, हर एक चीज को सीखते हुए चलो, नहीं आता है कोई दिक्कत की बात नहीं है, सीखो, रोना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है फ्रेंड, चलिए, तो भैया इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx क्या हो गया, log 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको क्यों लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अब मैं नहीं बता रहा। अरे e log a क्या होता है, a होता है, तो ये हमारा क्या मिल गया बेटा, ये हमारा मिल गया आई एफ। ठीक है, चलिए, तो वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए, है ना, ये हमारा क्या मिल गया, आई एफ मिल गया। अब अपन को निकालना है सिर्फ और सिर्फ कंप्लीट सॉल्यूशन। तो देखो बेटा कितना अच्छा है ना, कि रिपीट हो रही, कंसेप्ट रिपीट हो रहा है, अच्छा लगता है ना। अरे ये मान के चलो हमारा सातवां आठवां क्वेश्चन होगा, पहले में नहीं समझ में आया, दूसरे में नहीं आया, लेकिन अब तो समझ में आ गया होगा ना, कि अब भी नहीं है, बोलोगे नहीं सर अब भी नहीं है, ठीक है भाई हम पे केस कर दो, बोलो नहीं यार सर अच्छा नहीं पढ़ाते, केस कर दो, जो करना कर दो, और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहे हैं बेटा। ठीक है, चलो, तो अब अपन को निकालना है कंप्लीट सॉल्यूशन। क्या होता है कंप्लीट सॉल्यूशन, y into if is equals to integration q into if dx plus c। ठीक है फ्रेंड, चलिए, तो y into if, if क्या है बेटा, if है 1 plus x square,
ठीक है, इंटीग्रेशन क्यू, क्यू की वैल्यू बेटा क्या है, क्यू की वैल्यू है कॉस एक्स वन प्लस एक्स स्क्वायर, देख लो क्यू की वैल्यू क्या है बेटा, क्यू की वैल्यू है कॉस एक्स वन प्लस एक्स स्क्वायर, और आई एफ की वैल्यू क्या है बेटा, आई एफ की वैल्यू है आपकी वन प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ बिग ब्रैकेट यूज करना, मैं ब्रैकेट हमेशा गलत यूज करता हूँ, पता नहीं क्यों, डी एक्स प्लस, ठीक है बेटा। चलो अच्छे से देख लो, कोई भी कंफ्यूजन वाले सीन नहीं है यहाँ पर, है ना, कि आप कंफ्यूज कर रहे हो। चलिए फ्रेंड यहाँ अच्छे से देखिए आप, क्यू की वैल्यू क्या है कॉस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, और आई एफ की वैल्यू है वन प्लस एक्स स्क्वायर, वन प्लस एक्स स्क्वायर, वन प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा वाई इंटू वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन कॉस एक्स डी एक्स प्लस सी। बोलोगे सर बच गए, वरना ये कट गया, वरना इंटीग्रेशन बहुत मुश्किल हो जाता। तो पैटर्न वाइज है ना ये आपके लिए, मतलब आगे धीरे 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 और सिंपल होता चला जाएगा। चलो आंसर आ गया यार, है ना, ज़्यादा आपको बोर नहीं करते। वैसे भी बच्चे ने बोला कि सर आप बहुत अपना प्रचार करते हो, पढ़ाते लिखाते कुछ नहीं हो। अब ले यार बढ़िया है, मतलब एक से एक इवेंट होता है, अगर मैं आप लोगों को बताऊं, कभी खैर बताऊंगा तो आप लोग मतलब पेट पकड़ लोगे कि क्या क्या चीज़ें मेरे साथ होती हैं। चलो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स क्या होता है बेटा, साइन एक्स प्लस सी, है ना, इसको क्रॉस में नीचे भेज दो, तो वाई इज इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस सी अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है बेटा। चलिए ये आप इसको नोट कर लिए, ये आपका सॉल्यूशन हो गया, और हो सकता है आगे भी मैं आपको लीनियर इक्वेशन के और कुछ क्वेश्चंस करवाऊँ, क्योंकि दूसरा वाला टाइप भी अभी कवर अप नहीं हुआ, तो अभी एज अ डेमो मैं पूरा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आपको करवाऊंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। किस तरीके से प्रिपेयर करा वो लेक्चर जीरो में मैंने सभी यूनिवर्सिटीज के बच्चों को बता दिया, फिर भी कोई दिक्कत है आपको, किसी भी तरह की कोई दिक्कत है आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, मेरा व्हाट्सअप नंबर 8269075512, आप इसे व्हाट्सअप कर सकते हो, ठीक है फ्रेंड। चलिए तब तक अपनी और अपनों का खूब ख्याल रखिए, मिलते हैं अगले लेक्चर में, और अगर अभी तक आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, वहाँ पर ऑप्शन है अपने फ्रेंड्स को ऐड करने का, अपने फ्रेंड्स को ऐड करो फ्रेंड, क्योंकि एक अच्छा ग्रुप बनेगा तो अपन वहाँ पर जो भी डिस्कशंस है, बुक्स है, नोट्स है, वहाँ एग्जाम के टाइम में फिर अपन वहाँ पर बातें भी कर पाएंगे, शेयर भी कर पाएंगे, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, था आसान वैसे, इसमें कुछ नहीं था, ठीक है। नोटेड बच्चा पार्टी, नोट इट, है ना, टेक केयर, बाय बाय, टाटा।